हेलो नमस्ते, मैं वेद। आप देख रहे हैं बी फिल्म सिस्टर मीडिया। आज हमारे साथ भोजपुरी के एक्शन स्टार प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी। नमस्ते, प्रणाम। हम प्रिंस सिंह राजपूत, हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं मैं सबको प्रणाम बोलता हूँ। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप बताइए। आप रूढ़ी लेते हैं हमेशा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और अभी हम ऑन सेट पे हैं, एक फिल्म की शूट चल रही है। कौन सी फिल्म है और क्या कुछ खास है? सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका गमछी कहाँ है? अच्छा, आप गमछा एक्चुअली क्या है ना, वो जो हमारे प्रोडक्शन संभालते हैं ना, वो रख लिए। नहीं नहीं, तो अगली बार मैं 5-7 गमछा, क्योंकि आप गमछा की पहचान है, आप गमछा हमेशा लगाते हैं। चलिए, आज हम लोग शूट कर रहे हैं ओमकारा फिल्म जी, मुंबई के मड आइलैंड में। कितना खास है ओमकारा और जो जिस तरह का नाम है उसके लिए क्या कहेंगे? ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि सुजीत कुमार जी जो कि भोजपुरी के बड़े डायरेक्टर है, उनके साथ मैंने नरसिम्हा किया था। नरसिम्हा के बाद ओमकारा करने का मौका मिला तो मेरे लिए बहुत ही, मतलब एक जो भी समझ लिया, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये फिल्म है। सुजीत जी जिस तरह के वो फिल्में डायरेक्ट करते हैं, जो भी फिल्म की है, बहुत एक्शन वाली फिल्में रही है उनकी। कोई भी हीरो रहे, चाहे आप रहें, क्या दूसरे पवन जी, सबसे एक्शन बहुत कराता है। आपसे क्या ज़्यादा करवा लेते हैं? नहीं बिल्कुल, क्योंकि नरसिम्हा में भी बहुत एक्शन है, एक्शन का बहुत बड़ा ग्राफ है नरसिम्हा में, उससे भी बड़ा एक्शन हम लोग ओमकारा में कर रहे हैं। अच्छा जी, तो सुजीत जी भी जाने जाते हैं एक्शन के, कि एक्शन डायरेक्टर है, मैं भी एक्शन हीरो हूँ, तो केमिस्ट्री हम लोग का बहुत अच्छा बनती है। हम लोग जो भी फिल्म कर रहे हैं नरसिम्हा ओमकारा, तो सब एकदम मैंने फुल टू फटाक बोल सकते हैं कि एकदम एक्शन फिल्म है। अच्छा, ओमकारा में नाम जिस तरह का ओमकारा है, किसी का नाम रहेगा विलन या तो हीरो, कुछ तो रहेगा ना? जी, ओमकारा हीरो का ही नाम है, मेरा ही नाम है। ओम से ओमकारा कैसे बनता है? अच्छा, वही करेक्टर है मेरा इसमें। अच्छा, मतलब पहले ओम रहते तो हीरो रहते, फिर बाद में थोड़ा अगर करेक्टर चेंज होता है तो ओमकारा बन जाते? जी, ओम रहता हूँ तो सीधा साधा लड़का रहता है, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थितियाँ हो जाती है कि फिर हमको ओमकारा बनना पड़ता है। अच्छा, फिल्म में विलन का किरदार कौन कर रहे हैं? फिल्म में विलन में अमित शुक्ला जी हैं, देव भाई हैं, देव सिंह जी हैं, जय सिंह जी हैं, एक्ट्रेस रूपा सिंह हैं, रितु सिंह हैं, बाकी मैं लीड कर रहा हूँ। रूपा सिंह के लिए क्या कहेंगे इस फिल्म के लिए? नहीं बिल्कुल, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनके साथ कंटिन्यू मेरी 5वीं फिल्म है, ही इज वेरी गुड एक्ट्रेस, मेरी केमिस्ट्री उनसे बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत अच्छे से फिल्म के जब शूट होती है तो बहुत अच्छे से सीन निकलते हैं, गाने निकलते हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है उनसे। अभी मैं रूपा जी से इंटरव्यू ले रहा था, रूपा जी बता रही थी प्रिंस जी मुझे बहुत बोलते हैं कि आप ऐसा करो तो अच्छा होगा, क्या ये सही बात है कि ये आपकी बड़ाई कर रही थी? नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं गलत हो जाता हूँ, वो जो वो सही कर पाती है, मैं नहीं समझ पाता हूँ, मेरे से गलती हो जाती तो वो हमको समझाती है। कभी ऐसा होता है कि हम उनको समझा देते हैं, जो डायरेक्टर जी बताते हैं हमारे सीन में, कोरियोग्राफर जी बताते हैं अपने डांस में, फाइट मास्टर जी बताते हैं फाइट में, तो दोनों वो हमको समझाती हैं, हम उनको समझाते हैं, ऐसे ही हो जाता है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए क्या कहेंगे शिखा मिश्रा जी? जी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर शिखा मिश्रा जी है, एज ए वो भोजपुरी के एक बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी है और पहली बार भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूस कर रही है ओमकारा, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और उनके जो हस्बैंड हैं महेंद्र तिवारी जी, महेंद्र भैया हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गर्जीवन जैसे हैं, मैं उनको भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि जो हमको इस फिल्म में ये लोग कास्ट किए। शिखा जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं नहीं, जन्मदिन तो हम लोग अभी शूट कर रहे हैं, इसके बाद से जन्मदिन का ही पार्टी करेंगे। मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं उनको और